नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस रेसिपी लेमन राइस बनाना सिखाएंगे। इस रेसिपी को साउथ इंडिया में बहुत चाव से खाया जाता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। तो चलिए लेमन राइस बनाते हैं। लेमन राइस बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच धोई उड़द दाल, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच मूँगफली दाना, 1/2 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक, देसी घी, करी पत्ता, हरी मिर्च, नींबू और बने हुए चावल। तो चलिए लेमन राइस बनाते हैं। लेमन राइस बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे 4 चम्मच देसी घी, 1/2 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल और 2 चम्मच मूंगफली। अब सारी सामग्री को बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनेंगे। मूंगफली चटकने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे काजू और काजू को भी मूंगफली के साथ रोस्ट करेंगे। सारी सामग्री को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, अब डालेंगे ये कटी हुई हरी मिर्च और डाल देंगे करी पत्ता। और अब डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको भून लेंगे। और अब डाल देंगे 2 चम्मच पानी और अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। और अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। चावल पकाते समय नमक डाला था मैंने उसमें, उसी के हिसाब से नमक डालेंगे। और अब मिला लेंगे इसमें पका हुआ चावल। चावल को मैंने पहले ही बना लिया था, आप अगर चाहें तो बचे हुए चावल से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और चावल को अच्छे से मिलाना है, लेकिन बिल्कुल आराम से ताकि चावल टूटने ना पाए। और आप देख सकते हैं लेमन राइस बनकर तैयार है। अब हम इस लेमन राइस को सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और कुछ ही मिनटों में साउथ इंडिया की बहुत ही खास फेमस रेसिपी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार इस लेमन राइस को जरूर ट्राई करिए, यह आपको और सभी को बहुत पसंद आएगा।